जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ऐसा हमारा मानना है। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे हैं। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से इन जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और 5 राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्यसमिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और 5 राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very, very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the 5 election going states. In democracy, the decision of people is the ultimate evolution or evocation of their will. And we completely bow before the people's court.
Can you hear me now? Are you getting audio? Check 1, 2, 3, 4. Okay. I'll say it again for our friends who understand English. Indian National Congress take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have won the elections in the 5 election going state. In democracy, the decision of people is ultimate, and we bow our head before the verdict that people of these 5 election going states have given. It's a fact that the results of the 5 election going states are not as per our expectations. We expected far better results in Goa, in Uttarakhand, and in Punjab. And we accept that we have not been able to completely win the trust of people of these states. In Punjab, Congress Party presented a new leadership in Sardar Charanjit Singh Channi, who is son of the soil, comes from a very humble background, is honest and dedicated to the cause of people of Punjab. But the entire incumbency of 4.5 years under Sardar Amrinder Singh, we could not overcome. People voted for a change, and we congratulate for Punjab the Aam Aadmi Party, Sardar Bhagwant Mann, as also Shri Arvind Kejriwal. In Uttar Pradesh, we were able to resurrect and revive the Congress Party up to the grassroots in every village and in every town of Uttar Pradesh. But it's a fact that that resurrection and the fight, determined fight that the Congress Party put up, has not got converted into seats in this election. We did fight a determined, we did put up a determined fight in Uttarakhand and Goa, but we could not achieve the mark of victory. And that's a lesson that we will learn to work harder as also alongside the people. Indian National Congress stood out as a party in these elections, which ensured that the issues of division, of hatred, of religious polarization, and of caste division, vis-a-vis the issues that we put up of runaway inflation, of unemployment, of a sinking economy, of better infrastructure, of better health and education. It does seem that the emotional issues did overtake these fundamental issues affecting the life of people. Whether we win or lose an election, Indian National Congress stands in solidarity with people of India. We shall continue to espouse and champion people's voice vis-a-vis the issues of unemployment, of inflation, of those affecting their lives, of sinking economy, issues relating to creation of better and better placed infrastructure, be it in the field of education, health, power, or other sectors. And we shall continue to work with people. We are disappointed, but we are determined to work back with the people of India, as also to resurrect ourselves from the grassroots by having a detailed introspection. Very soon, Honorable Congress President Shrimati Sonia Gandhi will be calling a meeting of the Congress Working Committee to discuss threadbare all the issues which affected us in the 5 election going states. Once again, I take this opportunity to congratulate all the winners in all the 5 election going states. I also thank all the Congress leaders and workers in the 5 election going states for the hard work,
zeal and dedication that they worked to make the party a success, although we haven't succeeded. I also extend my best wishes to people in these five states for a better future for working with the new governments. Any questions? I'm happy to take one by one. Okay. I'll come back to you. आदरणीय साथी, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़कियां लड़ सकती हैं वो कभी हारती नहीं। लड़कियां दृढ़ता से खड़ी हैं, लड़ी हैं और लड़ती रहेंगी। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी का तिरंगा पहुंचा, हमारा काडर क्रिएट हुआ। हर मुद्दे पर जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े थे, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। ये सही है कि हम उसे जनमत में इस बार नहीं बदल पाए, पर हमें विश्वास है कि वो बीज जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अंकुरित किया है, वो बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर उभरेगा। पंजाब में आपने कांग्रेस पार्टी के वैचारिक भिन्नता का मुद्दा उठाया। मैं ये कहूंगा पंजाब ही क्यों, हर प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं? जब मैंने अंतर मंथन और आत्म विश्लेषण की बात की तो मुझे खुले मन से यह कहने में दिक्कत नहीं कि हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव है वहां भी, जहां चुनाव होंगे वहां भी, और जहां चुनाव होने हैं वहां भी, प्रदेश के हर नेता को समेत मेरे, हम सबको बजाय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखने के, ये आत्म विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम उस पेड़ को ही तो नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर हम उस टहनी को ही काट देंगे तो माफ कीजिए, फिर पेड़ भी गिरेगा, टहनी भी गिरेगी और नेतागण खुद भी गिरेंगे, जैसा कई राज्यों के परिणामों से सामने आया। इसलिए आज इस मन से, बड़ी बेबाकी से और मुखरता से मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि हमें उन प्रांतों में भी जहां हम चुनाव हारे हैं और उन प्रांतों में भी जहां भविष्य में चुनाव होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रजातंत्र की गरिमा के अनुरूप हो। जब वो राजनीतिक दल जिसके हम हिस्सा हैं उसी का नुकसान करेगी, जब उस पेड़ का ही नुकसान करेगी जिसकी टहनी पर हम बैठे हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नुकसान में बदल जाएगी, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैम, आपने दो प्रश्न पूछे आदरणीय मित्र, और मैं दोनों का जवाब आपको दूंगा। मैंने बड़े खुले मन से आपको कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि चुनाव में हिंदू मुसलमान, जात पात, क्षेत्रवाद, भावना में बहे जाने वाले मुद्दे, उनसे उठकर जनता की जिंदगी से जुड़े सार्थक मुद्दे, वो राहुल गांधी जी हों, वो प्रियंका गांधी जी हों, वो कांग्रेस के हर नेता हो, हमने ये प्रयास किया कि वो मुद्दे
चुनाव का केंद्र बिंदु बने, वो बेरोजगारी हो, वो कमर तोड़ महंगाई हो, वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, वो शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो। परंतु लगता है प्रथम दृष्टि से कि भावनात्मक मुद्दे जनता के इन सार्थक मुद्दों पर हावी हो गए। पर जैसा मैंने कहा, प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, और मैं इस मन से ना जनता के निर्णय पर, ना उनके न्याय पर, ना उनके विवेक पर कोई प्रश्न उठाऊंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जागरूक पत्रकार के तौर पर आप सबको भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। दूसरी बात आपने कही पंजाब में नेतृत्व बदलाव की। पंजाब में 4.5 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी और 99.9% विधायकों ने एक स्वर से वहां नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। हमने केवल उस मांग को स्वीकारा, हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है कि अगर वो मांग ना स्वीकारते तो फिर आप बोलते कि कांग्रेस का शीर्षतम नेतृत्व है वो ऑटोक्रेटिक है, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। और 111 दिन की सरकार में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने, जो एक साधारण दलित परिवार से आते हैं, एक सबल नेतृत्व भी दिया, एक बेहतरीन सरकार भी दी, और वो सारे निर्णय जिनका और लोग वादा करते थे, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उनका क्रियान्वयन कर दिया। अब कोई ऐसा निर्णय नहीं बचा जो किसी पार्टी ने वादा किया हो, जो कांग्रेस ने उसका क्रियान्वयन जमीन पर ना कर दिया। जैसा मैंने कहा, सब नेताओं को पंजाब समेत अब अंतर्मंथन और आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कहीं हम सब उस टहनी को तो नहीं और पेड़ को तो नहीं काट रहे जिसकी टहनियों पर हम बैठे हैं, और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहीं दूसरी पार्टियों के फायदे और खुद की पार्टी के नुकसान में तो नहीं बदल गई है। उस सत्ता की आकांक्षा इस हद तक, इस कदर तो नहीं बढ़ गई कि हम विरोधी की मदद और खुद के पक्ष का नुकसान करने में लग गए हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता, प्रदेश के हर नेता को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। मैं माल कम थी, I'll come to you after him and you ask. And I'll come to you after him, ma'am.